अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मीडिया पे आ रही हैं, क्या वजह बनी, क्यों मजबूर हुई आप? मेरा शोहर प्रॉपर्टी का काम करता, वो चले गए मरी फिरन टुरन, उत्थे उन्हां दा एक्सीडेंट हो गया तो वो गुजर गया। उनके कारोबार च उनके दोस्तों ने कहा कि बहुत ज्यादा घाटा पै गया, सानू अपने मकान बेच के चुकाना पिया, फिर भी नहीं कर्जा मगरू लिथा। उनके दोस्त सानू बहुत ज्यादा तंग करते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दो, नाल एक छोटी बहन है, उनकी शादी करनी है। कोई ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं आता, सारे रिश्तेदार आखते हैं भी इन्हों के अगर शादी की तो इन्हों का सारा कर्जा सानू उतारना पड़ेगा। ऐसा कोई मसला नहीं बनता पाया, घर च कम करीदा, लोगों के च किराए का मकान है, उत्थे रहने, बच्चों की पढ़ाई छुट गई, सारा कुछ। फिर भी उनके दोस्त जेड़े इन्ना पिछा नहीं छड़ते, उन्होंने इतने पैसे जेड़े इन्ना वो सानू दियो, साढ़े को इतनी गुंजाइश नहीं है कि असं उन्होंने कर्जा उतार सकी। अच्छा, तुसीं मैनूं ये दसो, थोड़ा शोर प्रॉपर्टी का काम करता सी, किन्ना अरसा हो गया उन्हां दी डैथ नूं? 2 साल हो गए उन्होंने की डेथ हुई। 2 साल हो गए जदों उन्हां दी मौत हो गई, उस तो बाद दोस्तां ने कहा कारोबार च घाटा पै गया। हाँ जी, तो 2 साल तुसीं जिहड़ी प्रॉपर्टी थोड़े घर दी सी तुसीं वेच के देती, तां वी कर्जा नहीं उतारिया, काम कर्जा नहीं उतरिया, वालदैन नहीं हैगे नहीं वालदा तो वालद फौत हो पहले तो ही पहले तो ही, फौत। तो तुसीं कल्ले ही हो। हाँ जी, कल्ले ही जिहड़ा थोड़ा शोर प्रॉपर्टी का काम करता सी, उन्हां दा कोई भरा कोई भतीजा? उन्होंने भी कोई नहीं है, कल्ले कले भरा सी। अच्छा, भी उनके अम्मी अबू फौत हो गए, एक भाइया वो भी फौत हो गया। इस चीज़ का उन्हें दोस्तों ने फायदा चुकया भी, इन्हों के अगे पिछे कोई नहीं हैगा, और तजात जैसी सारा कारोबार खुद मान लगे। हाँ जी, और आज ये देखें कि मीडिया पे बैठी है, कभी जो शख्स प्रॉपर्टी का कारोबार करता था वो कितना महीना कमाता होगा। अच्छा, जब आपके शौहर काम करते थे कैसी लाइफ थी? बहुत अच्छी थी। हाँ बच्चे वगैरह स्कूल जाते थे? जी, बच्चे स्कूल जाते थे, बहुत अच्छे, घर सुखी ऐसे। लेकिन आजकल तो रोड पे आ गए हैं। उसकी मौत के बाद क्या क्या दोस्तों ने कहा आपको, किस तरह मजबूर किया? उन्होंने कहा कि पैसे सानू दियो, जेडे घाटा पिया सी ओदे भरना, मकान बेच के दे दिता, फिर भी नहीं मगरू लिथे। हाँ भी मगर ही ने दुए दे तीसरे दे आए खड़े होंगे, आंदन सानू पैसे दे, लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं उन्होंने कर्जा उतार सका। तो मुझे आप ये बताएं, ये आप अपने बहन की शादी भी करनी है, बच्चे भी हैं, किराए का घर है, कितना किराया देती हैं? 5,000। 5 बार आप किराया देती हैं, तो लोगों के घरों में आप दोनों बहनें काम करती हैं, हाँ जी, दोनों करती हैं। तो कितना कमा लेती हैं? 10,000। अच्छा, 10 हज़ार कमाती हैं, 5 तो किराए का निकल गया, हाँ जी, बाकी निज़ाम चलता है, बच्चे स्कूल वगैरह। नहीं बच्चे स्कूल नहीं जाते, खा रही हो गए। अब आप मीडिया पे आ रही हैं, देखने वालों से क्या कहना चाहेंगे? मदद करन मेरी, मैम बहुत मजबूर होके आई हाँ। किसी भाई ने मेरी मैंने दसिया कि ऐसा इस तरह तुम करो तो थोड़ी मदद की जा सी, तो कोई साडा कर्जा भी उतार देवे, मैं तो घर भी ला लवा, बड़ी मेहरबानी हो सी जरा साड़ी मदद कर सी। नाजनी, ये देख लें कि आज ये मजबूर है और मेरी मदद कर दे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए घर खरीद लूँ, क्योंकि आज एक मर्द और औरत का मिलकर घर खरीदना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बेवा औरत के लिए ये बड़ा मुश्किल का काम है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे तो नंबर वगैरह है? हाँ जी, है नंबर नंबर बता दें दीजिए। नाजरीन, इनका नंबर बाकायदा आपको हमारी स्क्रीन पर मिल जाएगा, अगर कोई अल्लाह की रजा के लिए इनको माली तौर पर सपोर्ट करना चाहता है ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग आवाज़ पे इनके इनके पास पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि हकीकत आपके सामने रखें। बाकी आप लोगों का काम होता है कि आप लोग तस्दीक करें, जिस तरह भी करना चाहते हैं, इन लोगों की हेल्प करें जिस तरह भी आप कर सकते हैं, ताकि इनकी जो ज़िंदगी है ना वो बेहतर हो जाए। अच्छा, अगर कोई तस्दीक करना चाहे फ़ोन पे, जब बाकायदा आके वो चेक कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। नाजर, ये आपके सामने है, और मुझे आप ये भी बता दें, वीडियो आपकी मर्ज़ी से बनाई जा रही है, हाँ जी, मर्जी किसी से किस्म बना, का कोई दबाव नहीं, कोई आपने दबाव। खुद रब्ता किया हाँ था? जी, नाजन, ये वीडियो इनकी मर्ज़ी से बनाई जा रही है, अगर कोई मुसलमान बहन भाई इनको माली तौर पर सपोर्ट करना चाहते तो ज़रूर करें। इसका अजर ये तो नहीं, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में ज़रूर देगा, क्योंकि ये एक बेवा है, इसकी बहन यतीम है, इसके बच्चे यतीम है, तो जो भी ये उनको माली तौर पर सपोर्ट करना चाहता है, इसका अजर अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में ज़रूर देगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।